good morning friends myself vinod kumar assistant professor and head of department d pharma behalf of Pahelwan gurudin college of science and technology panari lalitpur today discussion on cell cell means kosika तो हम इसे डिफाइन कैसे करें सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी मीन्स कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा रचनात्मक इकाई है कोशिका का अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी और जब हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1965 सौ ईस्वी में खोजा था रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है सेल थ्योरी सेलिडन एंड शान के द्वारा 1838 और अठारह में दिया गया था पहला है प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से बना होता है तीसरा है कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है अब हम बताएंगे कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कैसे है एग्जाम्पल के लिए जिस तरीके से हम एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो जो ईंट होती है वो एक बिल्डिंग्स की सबसे छोटी इकाई होती है कई ईंट्स को मिला के हम एक दीवार का निर्माण करते हैं जब कई दीवाल बनाते हैं तो एक कमरे का निर्माण करते हैं और कई कमरे मिल कर के एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो इसी तरह से हम सेल को डिफाइन करेंगे सेल को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कैसे है देखिए हम बात करते हैं सेल सेल जब कई सेल्स मिलकर के एक टिश्यू का निर्माण करती हैं और कई टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं कई ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं ऑर्गन मीन्स जैसे लीवर पैनक्रियाज हार्ट लंग्स हम कोई भी ऑर्गन्स ले सकते हैं <ग <Walking> <ग <facial> तब ऑर्गन्स जो है मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पायरेटरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम हम कोई भी ऑर्गन ले सकते हैं कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं ह्यूमन बॉडी एनिमल बॉडी बर्ड्स ईटीसी जब ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो एक पॉपुलेशन का निर्माण होता है अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल कोशिका कितने प्रकार की होती है कोशिका दो प्रकार की होती है यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल यूकेरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे न्यूक्लियस और अदर स्पेशल पार्ट और अदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में डीएनए व हेस्टोन प्रोटीन के कंबाइन होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होती है प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे कि डीएनए जो यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया नीले हरे सेवाल और यूकेरियटिक सेल का एग्जाम्पल है एनिमल सेल अब हम चर्चा करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की सेल्स की संरचना कैसी होती है सेल्स की संरचना किसी भी आकार की हो सकती है गोल ओवल राउंड इत्यादि किसी भी शेप में सेल्स हो सकती है त्रिकोण भी हो सकती है चौकोर भी हो सकती है गोलाकार भी हो सकती है अंडाकार भी हो सकती है बेलनाकार भी हो सकती है अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल की कि जो कॉमन कंपोनेंट होते हैं हर प्रकार की सेल में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, एंड डीएनए ये तीन कॉमन कंपोनेंट्स हैं जो कि हर सेल में पाए जाते हैं फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन सेकंड है साइटोप्लाज्म थर्ड है डीएनए। इन तीन चीज़ों से मिलकर सेल बनती ही है किसी भी प्रकार की सेल हो चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो प्रत्येक जीवधारी में ये तीन चीज कंपलसरी होती हैं अब हम बात करते हैं सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में सेल्स ऑर्गेनेल्स में माइट्रोकोंड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी लाइसोसोम न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस प्लास्टिक वैक्यूल्स ये सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके बारे में हम सेकेंड पार्ट में विस्तार से एक एक करके आपको समझाएंगे अभी हम बात कर लेते हैं सेल्स कंपोनेंट्स के बारे में फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है यह लिपिड और प्रोटीन के बायलेयर से बनी होती है इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले तथा अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है सेकेंड है साइडोप्लाज्म यह सेल में न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच रहता है यह जेली लाइक फ्लूड होता है जिसमें ऑर्गेनल्स रहते हैं थर्ड है डीएनए न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो सेल जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस को सेल का मस्तिष्क कहा जाता है यह एक सेल का स्ट्रक्चर है यह एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है जिसे हमने एक राउंड शेप में बनाया है इसमें आपको स्पष्ट इस रूप से दिखाई दे रहे हैं जो एकदम मध्य में है केंद्र में है इसको बोलते हैं केंद्रक ये जो शेप है ना इसको बोलते हैं केंद्रक और इसके बीच में जो है ये है केंद्रिका न्यूक्लियोलस और ये छोटे छोटे गोले गोला आकार के दिखाई दे रहे हैं ये है माइट्रोकोंड्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं केंद्रक से अटैच हैं इनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको बोलते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं इनको बोलते हैं लाइसोसोम अब हम सेल्स ऑर्गेनल्स के बारे में एक एक करके बताएंगे सेल्स ऑर्गेनल्स अभी हम स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बता चुके हैं कि सेल्स ऑर्गेनल्स कितने होते हैं एक बार हम फिर से बताएंगे फर्स्ट है न्यूक्लियस सेकंड है न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी माइट्रोकोन्ड्रिया लाइसोसोम्स सेंट्रोसोम राइबोसोम प्लास्टिट्स इत्यादि अभी हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक बार डिस्कशन किया है एक बार हम फिर से डिस्कशन करेंगे सेल बाल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल बाल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है सेल बाल यह केवल पादप पादप कोशिका में पाई जाती है यह सेलुलोज की बनी होती है यह कोशिका को निश्चित आकार बनाए रखने में सहायक होती है सेल वाल केवल पादप कोशिका में पाई जाती है सेकंड है सेल मेम्ब्रेन कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है यह केवल एनिमल सेल में पाई जाती है तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको पता चल गया होगा अब हम आपको एक एक करके एक एक ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल्स में बताएंगे पहला है न्यूक्लियस यानी केंद्रक न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा था न्यूक्लियो में धागे नुमा मीन्स थ्रेड लाइक जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं यह डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है जिसे गुड़सूत्र कहते हैं इसमें न्यूक्लियोलस होता है जिसमें राइबोसोम्स बनते हैं राइबोसोम्स का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है इसलिए न्यूक्लियस को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है मैंने जो बताया है आपको क्रोमेटिन क्रोमैटिन मीन्स कि धागे धागेनोमा स्ट्रक्चर है जो कि इस फिगर में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है ये केंद्रक का इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि धागेनोमा जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन इसको अगर और जूम करके देखें तो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना है इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस अभी हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन किया है जो कि केंद्रक के अंदर पाई जाती है इसमें ये जो क्रोमैटेंस हैं इसी के बीच में इस जाल के बीच में न्यूक्लियोलस स्थित होती है जिसमें राइबोसोम्स का निर्माण होता है और राइबोसोम्स से प्रोटीन का निर्माण होता है जो कि इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है ये जूम अप है इसमें जो है केंद्रिका सेंटर में दिखाई दे रही है ये इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं मीन्स केंद्रिका और ये जो है ना छोटे छोटे स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको राइबोसोम्स कहते हैं अभी हमने सुना था कि एक सेल्स में एक ही केंद्रक पाया जाता है कभी कभी एक से अधिक न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं और ये जो छोटे छोटे स्पॉटलाइट स्ट्रक्चर हैं राइबोसोम्स। इनकी खोज 1950 में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जर्ब पोलैंड के द्वारा की गई थी दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑर्गेनाइज लेकर आएंगे जिसके बारे में एक एक करके आपको डिटेल्स में बताएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद